एक समय हुआ करता था जब हमारे जो लेफ्ट विंग के इंटेलेक्चुअल्स हैं और स्कॉलर्स हैं उनकी इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन कल्चरल रिसर्च पर हलाल बोर्ड जैसी मोनोपोली हुआ करती थी। वो डिसाइड करते थे कि क्या हलाल है क्या हराम है, लेकिन इस मोनोपोली को कुछ नॉन लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। तो हमारे लेफ्ट विंग का जो माफिया है, जो हलाल बोर्ड है, वो इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं और अब हाथ धो के इन नॉन लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के पीछे पड़ गए हैं और उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात जानना और इस बात से लड़ना बहुत जरूरी है, तो आइए इस वीडियो में इसको एक्सप्लोर करते हैं। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। पिछले कुछ महीनों में काफी इन्फ्लुएंशियल और फेमस नॉन लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स के ऊपर काफी बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं, जैसे कि जयसाई दीपक, जैसे कि विक्रम संपत, जैसे कि संजीव सान्याल। अब ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं ये मैं थोड़ी देर में डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन क्या ये अटैक्स हो रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इस हफ्ते जो लेटेस्ट अटैक हुआ है वो विक्रम संपत नाम के एक रिसर्चर और ऑथर के ऊपर हुआ है, जिन्होंने हाल में ही वीर सावरकर के ऊपर 2 वॉल्यूम्स की एक बायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत ही अच्छी है, इस समय Amazon पर बेस्ट सेलर है और आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हाल में ही विक्रम संपत को रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी का एक मेंबर बनाया गया था। अब रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत ही प्रेस्टीजियस हिस्टोरिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और इसमें जनरली इंडिया से सिर्फ लेफ्टिस्टों को चुना जाता था। तो आप ये समझिए कि ये जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स हुआ करते हैं इंडिया में, ये लोग बेसिकली लव के लिए कुछ भी करेगा के असलम भाई हैं। अब तक उन्हें भेजा रे, धंधा बिल्कुल डाउन है भाई। मशीन रखे लगे छापने के लिए। असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी देता है। अगर आपको इंडिया में कुछ भी पब्लिश करवाना है तो आपको इन लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स के असलम भाई को हफ्ता देना पड़ेगा और उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन हुआ ये है कि अब विक्रम संपत जैसे नॉन लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल और ऑथर्स जो हैं, बिना असलम भाई के सामने घुटने टेके, बिना असलम भाई को हफ्ता दिए, अपने बलबूते पे रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी में घुस रहे हैं। अब इस बात से हमारे असलम भाई के हलाल बोर्ड के चड्डियों में लाल चींटियां घुस गई हैं। बवासीर एक आम समस्या है। तो असलम भाई ने अपने कुछ गुंडे यानी 3 लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स को भेजा है, जिन्होंने एक लेटर लिखा है रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी को कि उन्हें विक्रम संपत की मेंबरशिप कैंसिल कर देनी चाहिए। उन्होंने विक्रम संपत के ऊपर आरोप लगाया है कि विक्रम संपत ने 2 रिसर्चर्स डॉक्टर विनायक चतुर्वेदी और डॉक्टर जानकी बाखले के काम को प्लेजराइज किया है, यानी चोरी किया है। अब देखिए, प्लेजरिज्म जो होता है वो एक्चुअली रिसर्च और स्कॉलरशिप सर्कल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है अगर आपके ऊपर प्लेजरिज्म का इल्जाम लग जाता है तो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने विक्रम संपत की किताब को अटैक नहीं किया है, उनकी किताब में कुछ भी गलत नहीं मिला, उल्टा उन्होंने एक्चुअली 2017 में विक्रम संपत ने इंडिया फाउंडेशन में एक स्पीच दी थी, उस स्पीच के ट्रांसक्रिप्ट पर उन्होंने प्लेजरिज्म का आरोप लगाया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन 2 स्कॉलर्स का इन्होंने नाम लिया है और कहा है कि विक्रम संपत ने उनसे प्लेजरिज्म किया है, उन दोनों स्कॉलर्स का नाम इस स्पीच के ट्रांसक्रिप्ट के रेफरेंसेस सेक्शन में अवेलेबल है। उसके ऊपर से स्पीच में विक्रम संपत ने विनायक चतुर्वेदी का नाम सामने से लिया है, तो ये प्लेजरिज्म कैसे हो गया यार। उसके ऊपर से जानकी बाखले ने विक्रम संपत की सावरकर वाली जो किताब है उसको रिव्यू भी किया था और एक बार भी अपने रिव्यू में उन्होंने प्लेजरिज्म का इल्जाम इनके ऊपर नहीं लगाया। इन स्कॉलर्स ने एक और आरोप लगाया है कि अपनी किताब में विक्रम संपत ने एक पैराग्राफ एक रिसर्च स्कॉलर से चुराया है, लेकिन अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वो रिसर्च स्कॉलर भी जो है वो एक्चुअली किसी दूसरे पब्लिकेशन को क्वोट कर रहा था। तो विक्रम संपत ने उस पब्लिकेशन को क्वोट किया है और रिसर्च स्कॉलर की जो थीसिस है उसको भी रेफरेंसेस में क्वोट किया है। यहाँ तक कि ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर के फुटनोट में भी एक्नॉलेज किया गया है कि विक्रम संपत ने इस थीसिस को रेफरेंसेस में डाला है। तो ये जो प्लेजराइजेशन का प्रूफ है ये उतना ही तगड़ा है जितना सिद्धू और चन्नी की दोस्ती है। तो हम ये तो देख रहे हैं कि जो विक्रम संपत के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो काफी बोगस है, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये जो बोगस आरोप बनाकर लेटर लिखा गया है ये किसने लिखा है, यानी विक्रम संपत के कंधे पर बेताल बन के कौन बैठा हुआ है।
तो पहली इंसान जिन्होंने लेटर लिखा है उनको शायद आप पहचानते होंगे, उनका नाम है ऑड्री ट्रुस्के। आप शायद ये बात जानते होंगे कि जितना मीरा जी को श्री कृष्ण के लिए प्यार नहीं था, उससे ज्यादा प्यार ऑड्री जी को औरंगजेब के लिए है। और कमाल की बात तो ये है कि ये दूसरे रिसर्चर्स को अटैक कर रही हैं, जबकि इनके ऊपर खुद बुरी स्कॉलरशिप के आरोप लगे हुए हैं। इन्होंने एक समय पर श्री राम को एक मिसोजिनिस्टिक सुअर बोला था। जब इनकी क्रिटिसिज्म हुई तो इन्होंने कहा कि अरे ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक्चुअली एक दूसरे रिसर्चर ने बोला है, मैं तो कोट कर रही हूँ। लेकिन जब दूसरे रिसर्चर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यार मैंने तो ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं है, ना वाल्मीकि जी ने रामायण में कभी ऐसा कुछ बोला है। तो ये मैडम खुद अपने सोर्स को मिसकोट और मिसट्रांसलेट कर रही हैं। और इनकी जो खुद की फालतू रिसर्च है उसको बार बार ट्विटर पे ट्रू इंडोलॉजी ने एक्सपोज किया है बेसिक फैक्ट्स के साथ और प्रॉपर साइटेशंस के साथ। और ये मैडम विक्रम संपत को अटैक कर रही हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि ढिंचक पूजा लता मंगेशकर को खराब सिंगर बोल रही हैं। इन लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए यार, और थोड़ी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। राहुल गांधी बकवास कर रहा है, राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। दूसरे महानुभाव जिन्होंने ये लेटर लिखा है उनका नाम है रोहित चोपड़ा। रोहित चोपड़ा जी इतने बड़े महानुभाव हैं कि वो ट्विटर पे अक्सर जाकर मोदी की मौत की बातें किया करते थे और मोदी के बारे में गंदे गंदे कमेंट मारा करते थे। इनफैक्ट इनके कमेंट इतने गंदे हुआ करते थे कि उन्होंने तो ट्विटर के रूल्स का भी उल्लंघन किया और ट्विटर ने इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। बताइए यार, आजकल रिसर्चर्स और स्कॉलर्स मोदी जी को मौत की धमकी भी नहीं दे सकते, क्या ये है नया इंडिया? ये सर जी जो मोदी को इतना नापसंद करते हैं, इनके नापसंद के बावजूद मोदी पीएम बन गया, और पीएम बनने के बाद विक्रम संपत की किताब को प्रमोट भी कर रहे हैं। बूम बैम बा बारा बा बूम पाव। और विक्रम संपत की किताबें जो हैं वो अमेज़न में बेस्ट सेलिंग लिस्ट में भी पहुंच गई हैं, जबकि रोहित चोपड़ा को कोई जानता भी नहीं है। एजेंडा आप काफी क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही ये लेटर पब्लिश किया गया है उसके बाद दूसरे लेफ्टिस्ट भी विक्रम संपत को अटैक करने के लिए पहुंच गए हैं। रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स काउंसिल भी विक्रम संपत को अटैक कर रहे हैं। एक ऐसे इंटेलेक्चुअल जिनको पुरानी आदत है बिना किसी प्रूफ के बड़े बड़े दावे करना, वो भी विक्रम संपत को अटैक कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग विक्रम संपत को प्लेजराइजेशन के नाम पर अटैक कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद प्लेजराइजेशन का इल्जाम लगा हुआ है। यार तुमको 7-8 साल से इतनी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा? जैसे सुबह बच्चे उठ के बॉर्नविटा पीते हैं ना, वैसे ये लोग सुबह उठ के रोज अपना बेइज्जती करवाते हैं। तो इस तरह के बिना किसी प्रूफ के बेसलेस अटैक्स जो किए जा रहे हैं विक्रम संपत के ऊपर, उस बेसिस पर विक्रम संपत ने हाल में ही हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और जिन लोगों ने इनके ऊपर लेटर लिखा है उन पर डेफेमेशन केस फाइल किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इकलौते स्कॉलर नहीं है जिन पर इस तरह से अटैक हो रहा है। जयसाई दीपक ने हाल में ही एक बेस्ट सेलिंग बुक पब्लिश की है, इंडिया दैट इज भारत। इस किताब को एक बहुत प्रोमिनेंट और फेमस अमेरिकन प्रोफेसर वॉल्टर मिनियोलो से काफी बड़ा एंडोर्समेंट मिला था। जैसे ही इस एंडोर्समेंट को लेफ्ट स्कॉलर्स ने देखा वो एकदम बौखला गए और वॉल्टर मिनियोलो को ट्वीट करके उनको बोलने लगे कि आप एक हिंदू फैसिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और ऑथर संजीव सान्याल के ऊपर भी अटैक किया गया था। एक मीरा विश्वनाथ मैडम इतनी नाराज थी कि संजीव सान्याल की किताबें इतनी अच्छी तरह से बिक रही हैं, उनकी किताबें एयरपोर्ट में भी हर जगह दिख रही हैं, यहां तक कि संजीव सान्याल के जो वीडियोस है वो वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप में हर जगह शेयर किए जा रहे हैं, जबकि इन मैडम की किताबों के पन्नों को ठेले पर पकौड़े और झाल मुढ़ी लपेटने में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह से याद रखिए कुछ साल पहले राजीव मल्होत्रा के ऊपर भी इस तरह से प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया गया था। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस तरह के अटैक्स क्यों हो रहे हैं। देखिए बड़े सिंपल दो रीजंस हैं, जेलसी और इनसिक्योरिटी। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, ये लोग एकेडेमिया के असलम भाई हैं। इनकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, मीडिया में, पब्लिशिंग हाउसेस में पूरी मोनोपोली हुआ करती थी नेहरू जी और खासकर इंदिरा गांधी के समय से। और इस मोनोपोली की वजह से ये लोग बेसिकली बिल्कुल हलाल बोर्ड बन के बैठे हुए थे कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप हलाल है और कौन सी स्कॉलरशिप हराम है। इसीलिए आप देखिए कि नॉन लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स जो थे, जैसे कि रामस्वरूप, सीताराम गोयल, आरसी मजूमदार, कॉनराड एल्स्ट, इतने अकम्पलिश्ड, इतने महान, इतने अच्छे रिसर्चर और स्कॉलर्स होने के बावजूद इनकी किताबें बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज में नहीं पब्लिश होती थी। यहाँ तक कि अपनी किताब एमिनेंट हिस्टोरियंस में अरुण शौरी ने लिखा है कि प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, जो एक बहुत बड़े एमिनेंट हिस्टोरियन थे जिन्होंने बहुत सारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें लिखी हैं, उनका इतना पावर था जेएनयू में अपॉइंटमेंट्स पे, अगर आप बिपिन चंद्रा के सामने घुटने नहीं टेकते थे तो आपको जेएनयू में नौकरी नहीं।
नहीं मिलने वाली थी। और क्योंकि इन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के पास इतनी इंस्टीट्यूशनल पावर थी, उन्होंने बेसिकली एक साइटेशन लूप क्रिएट करके रखी हुई थी। यानी जो लोग इनकी तरह सोचते थे, जो लोग इनकी तरह रिसर्च क्रिएट करते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को कोट किया जाता था, सिर्फ उन्हीं लोगों का काम पब्लिश होता था। और इसीलिए ऑड्री ट्रुस्के जैसी रिसर्चर, जिनका रिसर्च साकेत गोखले की फंड रेजिंग जैसा भरोसेमंद है, इनको अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट माना जाता था। तो बिना असलम भाई के हलाल बोर्ड के परमिशन के कोई भी अपना काम पब्लिश नहीं कर सकता था। एक समय तो ऐसा आ गया था कि रामचंद्र गुहा बोलते थे आकर सामने से कि भाई नॉन लेफ्ट मूवमेंट में, नॉन लेफ्टिस्ट में कोई भी स्कॉलर नहीं है, कोई भी इंटेलेक्चुअल नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से, सोशल मीडिया के आने के बाद से हालत काफी बदली है। विक्रम संपत, जयसाई दीपक, संजीव सान्याल और उनके जैसे कई सारे नॉन लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स निकल कर आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुद की फॉलोइंग बनाई है, जिनकी किताबें अमेज़न पर बेस्ट सेलिंग लिस्ट में पहुंच गई हैं। और ये सब लोग बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है इनको, और ये सब बिना हलाल बोर्ड के परमिशन के हो रहा है। इनको लिटरेरी फेस्टिवल में बुलाया जा रहा है, इनको रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी का मेंबर बनाया जा रहा है बिना हलाल बोर्ड के परमिशन के। और उसके ऊपर से इनकी किताबें तो बेस्ट सेलर बन ही रही हैं, लेकिन जो लेफ्टिस्ट रिसर्च में मेथोडोलॉजिकल गलतियां थी, जो झूठ फैलाया जा रहा था, उस झूठ को भी पूरी तरह से एक्सपोज किया जा रहा है। अब वीर सावरकर की बात ले लीजिए। वीर सावरकर के ऊपर धनंजय कीर के किताब के अलावा बहुत समय से कोई किताब नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट जितनी भी स्कॉलरशिप वीर सावरकर के ऊपर की गई थी, वो सारी स्कॉलरशिप लेफ्टिस्टों ने कर रखी थी। तो पिछले 50 सालों में इंडिया में जो भी वीर सावरकर के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेफ्टिस्टों की बनाई हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आई विक्रम संपत की सावरकर बायोग्राफी। इस बायोग्राफी की वजह से वीर सावरकर की जो असली कहानी थी, वो सारी पब्लिक की तरफ पहुंची है। अब लोग अमेज़न पर जाकर इस किताब को खरीद सकते हैं, अलग अलग बुक स्टोर में जाकर इस किताब को खरीद सकते हैं, और वीर सावरकर की जो असली कहानी है उसको अपने आप जान सकते हैं। और इसलिए वीर सावरकर के ऊपर जो लेफ्टिस्ट मोनोपोली बनी हुई थी, उसको विक्रम संपत ने पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है। और आप समझ ही सकते हैं कि इससे हलाल बोर्ड की कितनी सूझेगी। सूझी है तो कमर बाहर करो ना फिर। हलाल बोर्ड की इस बात पर भी जली पड़ी है कि उन्होंने इतनी कोशिश की राम मंदिर की सच्चाई को दबाने की, लेकिन मीनाक्षी जैन जैसे हिस्टोरियंस की वजह से, बीबी लाल और के मोहम्मद जैसे आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से इतना प्रूफ क्रिएट किया गया राम मंदिर के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा ये प्रूफ और हिंदुओं को राम मंदिर वापस देना पड़ा। हलाल बोर्ड की इस बात से भी जल रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इनकी मौज हुआ करती थी, वो मौज बीजेपी के अंदर खत्म हो गई है। एक समय पे हलाल बोर्ड के मेंबर प्रोफेसर आरएस शर्मा कहा करते थे कि आरसी मजूमदार के महान स्कॉलर्स का काम आरएस शर्मा जैसे लोगों के काम से नीचा है, क्योंकि आरएस शर्मा की किताबें पेंगुइन पब्लिश करता है और आरसी मजूमदार की किताबें भारतीय विद्या भवन पब्लिश करता है। लेकिन आज वो सिचुएशन भी बदल गई है। विक्रम संपत की किताब और संजीव सान्याल की किताब पेंगुइन पब्लिश करता है, जयसाई दीपक की किताब ब्लूम्सबरी पब्लिश कर रहा है, और हलाल बोर्ड को पता है कि 4-5 और ऐसे स्कॉलर्स आ गए तो इनकी मोनोपोली राहुल गांधी के करियर की तरह खत्म हो जाएगी। तो असलम भाई और हलाल बोर्ड जो हैं, वो अपनी स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करके इन लोगों को जवाब देने के बजाय कंपटीशन को उसी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे स्टालिन ने रशिया में किया था और हिटलर ने जर्मनी में नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स के समय पर किया था। तो जयसाई दीपक, विक्रम संपत और संजीव सान्याल जैसे लोगों को खत्म करने के लिए ये लोग 4 Ds का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिसमिस, डिस्क्रेडिट, डीमोनाइज, डिस्ट्रॉय। जो डिसमिस करने की पहली स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, वो तो भाई सीताराम गोयल और राम स्वरूप जैसे लोगों के समय पर काम आ जाती थी, क्योंकि उस समय पर मीडिया में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, पब्लिशिंग हाउसेस में लेफ्टिस्ट मोनोपोली हुआ करती थी। अब वो मोनोपोली तो पूरी तरह से टूट गई है और इसलिए अब बाकी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, डीमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और भले ही हलाल बोर्ड की मोनोपोली टूट गई हो, लेकिन याद रखिए कि अभी भी इन लोगों के पास बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल पावर है और अभी भी ये कंपनीज को घुटने टिकवा सकते हैं। याद करिए कि किस तरह से 2020 की जो दिल्ली रायट्स की एडवोकेट मोनिका अरोड़ा ने किताब लिखी थी, उस किताब को लेफ्टिस्टों ने ब्लूम्सबरी के ऊपर प्रेशर डालकर पब्लिश करने से रोकने की कोशिश की थी। अल्टीमेटली ब्लूम्सबरी ने उस किताब को पब्लिश नहीं भी किया। और आज इसी तरह से विक्रम संपत को भी अटैक करने की कोशिश की जा रही है और उनके भी करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जवाब बिल्कुल सिंपल है। उनकी किताबें खरीदिए। जब भी वो कोई नई किताब पब्लिश करते हैं तो हजारों की, लाखों की तादाद में उनकी किताब खरीदिए, उनको लखपति बनाइए, ताकि कोई भी लेफ्टिस्ट
स्कॉलर रिसर्चर इनका बाल भी बाका ना कर सके, और ताकि दूसरे लोग भी विक्रम संपत, जय साई दीपक और संजीव सान्याल को देखकर इंस्पायर हो और रिसर्च फील्ड को जाकर ज्वाइन करें। याद रखिए, हमारा मोटो होना चाहिए, तुम कितने संपत मारोगे हर घर से संपत निकलेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मामले में इस लेफ्टिस्ट हलाल बोर्ड माफिया से लड़ने के लिए हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, पेट्रियन और यूट्यूब पर एक मेंबर जरूर बनिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपसे फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड।